स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जिस तरह से घर छोड़ के आए हैं, तो घर में आपके जैसे सारे जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे हैं, तो घर में किस तरह से काम अभी चल रहा होगा घर परिवार का? ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर पे हमें काम, हमारी जो धरती है ना, जो हमारी जमीन है, ये हमारी माँ है, हमें तो पीछे का कोई फिक्र नहीं है। अब हक लेने आए हैं, वो हक लेके जाएंगे, पावे को 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, इस मोदी को हरा के जाएंगे। जहाँ किसान आंदोलन होता है, 80% किसान है पूरे भारत में, 80% किसान पूरे भारत में है। जब 80% किसान उठ पड़ता है ना, सभी आ गए हैं और कुछ आ रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली को घेरेंगे, तब इसकी नींद हराम कर देंगे, इसको सोने नहीं देंगे, इसके कान बहरे कर देंगे। इसको सुनना पड़ेगा, किसानों का हक देना पड़ेगा। साडा हक इत्थे रख, हमारी जमीन माँ है, हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, लेकिन इन लीडरों को बता देंगे कि हम क्या चीज हैं। आने वाले समय के इनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और इनको हारना पड़ेगा। इस जो काले कानून इन्होंने मतलब लागू किए हैं ना, इनको हराना पड़ेगा, हम हरा के जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अभी कहा है कि वो आप लिखित में प्रस्ताव मांग रहे थे कि लिखित में हम प्रस्ताव देंगे, तो क्या आप इससे सहमत होंगे? हम नहीं सहमत होंगे, हम इन किन से बिल्कुल 100% इसको रद्द करवा के जाएंगे। हम रद्द का लेके लेंगे, हम रद्द करते हैं, इनका कोई भी आपसे लेना देना नहीं है। आप अपनी मंडी और मंडीकरण, आप मंडी बोर्ड जो है जैसे चलता था वैसे चलने दो, हम उसमें खुश हैं। जो पहले चलता था, जैसे कि हमें कपड़ा नहीं चाहिए, हमने नहीं लेना, तो एक बदोबदी हमारे गल में डाल रहे हैं कि नहीं ये ले लो। हम वो सुनसना तो लेने आए नहीं, हम तो हक लेने आए हैं, अपनी माँ बचाने आए हैं। धरती माँ हमारी माँ है, इसको बचाने आए हैं, इसको बचा के रहेंगे। अच्छा जी, सरकार का कहना है कि हम बिल के अंदर संशोधन कर सकते हैं। हम उसका विरोध करते हैं, हम संशोधन उसका लेते ही नहीं, हम तो रद्द करवाने आए हैं, हम रद्द करवा के रहेंगे, हम तो रद्द करवाना चाहते हैं। लड़ाई कितनी लंबी चले? जितनी भी लंबी चले जाए, जब हमारी माँ को कोई पत्थर मारेगा ना, उसके लिए हम मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। लड़ाई लड़ी राजगुरु, लड़ाई लड़ी सुखदेव ने, लड़ाई लड़ी और कितनी लंबी लड़ी, और लंबी लड़ी तो देश को आजाद करवाया ना। हम भी ऐसे धरती माँ का हक लेके जाएंगे, इन कानून को रद्द करवाएंगे। भीख नहीं है, ये भीख नहीं हम मांग रहे, ये हमारा हक है और हक कभी छोड़े नहीं जाते। हक लेंगे, हक लेकर जाएंगे। कहीं नहीं, यहाँ पे आप ठीक इस साइड देख सकते हैं, जो सिख काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, मैं कहूँगा थोड़ा नज़दीक से एक बार ये वर्डिंग दिखाए, जो सिख काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व हमारे किसानों के साथ है। थोड़ा सा हम यहाँ बात करना चाहेंगे भाई, क्या भाई साहब ये क्या चीज़ है और क्या आपने कर रखा, थोड़ा सा उसके बारे में डिफाइन करेंगे। असल ये हमारे जो सिख काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड है, मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमने ये महसूस किया था कि जैसे किसान संघर्ष के बीच में और संस्थाओं ने भी यहाँ लंगर लगाया हुआ है, वक् वक् तरह के लंगर हैं, तो हमने ये महसूस किया था कि वो चीज़ जो यहाँ ज़्यादातर ज़रूरत है, तो हम सभी दोस्तों ने मिलकर उन चीज़ों का लंगर लगाया है, और हर रोज़ हमारे मित्र दोस्त यहाँ आकर वक् वक् चीज़ लेकर आए हैं, जैसे राहुल तीर जी, इनके सभी दोस्त मित्र हमारे, रुपिंदर जी। सो हमारी मंशा ये है कि जैसे गुरु के लंगर तो तुट बरत रहे हैं, लेकिन जैसे ये हम ये ऑयल है, ये अपना पेस्ट है, टूथब्रश है, ओडोमॉस है, हम ये चीज़ें दे रहे हैं। इनका मेन कारण है कि ये चीज़ें ज़्यादातर किसी की नॉलेज में नहीं आती कि लंगर के साथ ये भी लेना चाहिए, लेकिन हमारे साथ साथ इन चीज़ों को और भी बहुत लोग दे रहे हैं, ऐसी नहीं कि हम ही दे रहे हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों का लंगर लगाया है। सो हमारी कोशिश और कशिश रहेगी कि जितना हम कर सकें इस मोर्चे में हम अपना भी पार्टिसिपेट कर सकें। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा बात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से देखा जाए, हर वो संगठन, हर वो संस्था, चाहे वो पंजाब से है, चाहे हरियाणा से, चाहे देश से है, चाहे बाहर से है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलूँगा आप थोड़ा सा आगे हैं, मैं कुछ चीज़ें और दिखाऊँगा। जिस तरह से यहाँ पे जैसे ठंड का मौसम भी है और जिस तरह से खाना पीना भी रेगुलर चल रहा है, तो यहाँ पे मेडिसिंस वगैरह रखी गई हैं, किसी भी तरह की जिस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये मेडिसिंस लगाई गई हैं। तो हम यहाँ पे मैं बोलूँगा सरदार जी, एक बार थोड़ा सा देना जी, दिखाना ज़रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेडिसिन दी गई है। यहाँ हम बात करेंगे मैडम से और पूछेंगे, अभी
नमस्कार जी, जैसे आप यहाँ पे जो मेडिसिन लगाई हैं वो किसके द्वारा लगाई गई हैं? ये मेडिकल सर्विस सेंटर ऑल इंडिया लेवल का फोरम है डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का जी। और अभी फिलहाल हम लोगों ने फार्मर्स का ये मूवमेंट, जब हम लोगों को पता चला तो कि वहाँ पर नीड है, लोगों की जो सेहत है वो बिगड़ रही है, तो लगभग 1 तारीख से हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो आप यहाँ पे कितना टाइम हो गया और क्या टाइम आप यहाँ पे रहते हैं, कितना टाइम रहते हैं आप? ये 24 आवर्स है। 24 आवर्स रहते हैं, तो आप यहाँ पे ड्यूटी वगैरह चेंज करते रहते हैं। तो इसके मेडिसिन के अलावा किसी तरह की चेक फैसिलिटी भी दी गई? नॉर्मली हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर्स के पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग देखते हैं जी। है हम लोगों के पास ऑपरेटर्स, तो ट्रीट करते हैं। और नॉर्मली जो फर्स्ट एड है वो भी देते हैं, किसी को कुछ लग गया, ये हो गया, कुछ इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ी वो भी करते हैं जी। अपना शुभ नाम जी? मैं नित्या। कहाँ से आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जी।